आवाज दे रहे हैं जनाब अहमद सईद हर्फ साहब को कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हमें नवाजे। जनाब अहमद सईद हर्फ साहब माइक पर। हाजिरीन महफिल अस्सलामु अलैकुम। अपने मेहमान खुसूसी और मेहमान शोरा इकराम का मैं इस्तकबाल करता हूँ। सदरे मोहतरम से इजाजत लेते हुए जी अता की एक दो कतात हाजिर कर रहा हूं हर्फ साहब कि मोहम्मद मुस्तफा ने जो दिया पैगाम प्यारा है। मोहम्मद मुस्तफा ने जो दिया पैगाम प्यारा है। मोहम्मद मुस्तफा ने जो दिया पैगाम प्यारा है। अबू बकरो उमर उस्मा अली का नाम प्यारा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफा ने जो दिया पैगाम प्यारा है। अबू बकरो उमर उस्मा अली का नाम प्यारा है। हम अपने दिल में रखते हैं शहादत का सदा जज्बा। हमें तो दीन प्यारा है, हमें इस्लाम प्यारा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने क्या कहने। इस्लाम प्यारा है। और चार मिसरे और मुलाजा फरमाएं कि मशाले इश्ते नबी हरगिज बुझा सकते नहीं। वाह। मशाले इश्ते नबी हरगिज बुझा सकते नहीं। मिदहते अस्हाब को दिल से मिटा सकते नहीं। बेशक बेशक। मशाले इश्ते नबी हरगिज बुझा सकते नहीं। मिदहते अस्हाब को दिल से मिटा सकते नहीं। और सर बचे या सर कटे इसका नहीं है गम, मगर हम कभी बातिल के आगे सर झुका सकते नहीं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बातिल के आगे सर झुका सकते नहीं। और सदारती खुतबात में हजरत मौलाना ने जो हदीस पेश की थी उसे के पसे पंजर में एक कता और उसके बाद अपनी जगह। जी अता कीजिए अता कीजिए भाई अता। यही जो बोझ गुनाहों का लाद रखोगे। अच्छा। यही जो बोझ गुनाहों का लाद रखोगे तो अपने आप को किस तरह शाद रखोगे। वाह। यही जो बोझ गुनाहों का लाद रखोगे तो अपने आप को किस तरह शाद रखोगे। और तबर्रा मेरे सहाबा पे करने वाले सुन वो मार देंगे तुम्हें हम की याद रखोगे। बहुत अच्छे।